CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. नागपुर के समता नगर से चोरी किए गए एक ट्रक को जबलपुर बेचे जाने की जानकारी पर जरीपटका पुलिस टीम कार्रवाई करते हुए जबलपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आरोपी जिसे ट्रक बेचने निकले थे, उस अन्य आरोपी को भी पुलिस ने दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2023 को समता नगर से एक 12 चक्का ट्रक क्रमांक MH31BG2596 चोरी हुआ था, जिसकी कंप्लेंट जरीपटका थाने में फरियादी द्वारा दर्ज कराई गई थी। मामला दर्ज करने के बाद जब जांच की गई तो जरीपटका के डीबी स्क्वाड में PSI प्रदीप काइट को गुप्त सूचना मिली कि चोरी किए गए ट्रक को कुछ लोग जबलपुर में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए एक टीम जबलपुर पहुंची और वहां से आरोपी साजिद खान, मौलाना समद खान, मोहम्मद रईस इब्राहिम को हिरासत में लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह तीनों आरोपी ट्रक को आरोपी अनवर सलीम खान को बेच रहे थे। तभी चौथे आरोपी का पता लगते ही पुलिस ने चौथे आरोपी अनवर सलीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाली कार को भी आरोपियों के पास से जब्त कर लिया है और चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जरीपटका पुलिस स्टेशन के हद में समता नगर यहाँ से दिनांक 12/4/2023 को एक 12 चाकी ट्रक MH31BG2596 इस नंबर का ट्रक चोरी हुई की कंप्लेनेंट फिरोज यूनुस मोहम्मद रहना समता नगर, इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी। जरीपटका पुलिस स्टेशन ने उनके कंप्लेंट के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। जरीपटका पुलिस स्टेशन के डीबी के अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक श्री काइट सर, इन्होंने माननीय जोन फाइव सर श्री सवन दत्त सर इनके मार्गदर्शन में इनका इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनको जानकारी मिली कि इस ट्रक के बारे में कुछ लोग जबलपुर MP में जबलपुर शिवनी इस इलाके में बेचने की कोशिश कर रहे, उनके खास बातमीदान से इनसे मालूमात मिली। तभी PSI काइट और उनके टीम को जबलपुर MP में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। उन्होंने दिनांक 27/4/2023 को जबलपुर से आरोपी साजिद खान उर्फ मौलाना समद खान उम्र 48 रहना गोहलपुर जबलपुर और उसके साथी मोहम्मद रईस इब्राहिम उम्र 32 रहना रजा चौक जबलपुर मध्य से इन दो आरोपियों को उन्होंने अरेस्ट कर दिया। उनके साथ उनके अरेस्ट करके उनके पास इन्वेस्टिगेशन किया। उनके कहने पे उन्होंने यहाँ से ये ट्रक चोरी कबूल किया और उन्होंने अनवर सलीम खान रहना नरसिंहपुर मध्य पर इसको बेचा था, उसको ही हमारे टीम ने अरेस्ट कर दिया है। अभी तीनों इस गुने में अभी तक तीन आरोपी अरेस्ट किए हैं और उनका तपास चालू है। चोरी हुआ 2 लाख का ट्रक और आरोपी ने गुने के दरमियान उस बेचने के लिए और गुना करने के लिए जो कार यूज की वो भी चार आरोपियों से हमने जब्त किए है। अभी भी उस गुने का तपास शुरू है। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट। एनरोल नाउ फॉर मोर डिटेल्स कॉल